इन्वेस्ट 12 ट्रिलियन रुपीस एनुअली फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये कहना है आईएमएफ का। इससे कैसे यू नो पाकिस्तान के पास इतने पैसे होते जनाबे अली तो हम आईएमएफ के पास जा रहे होते, यानी आप कह रहे हैं कि हर साल हम 12 ट्रिलियन रुपीस खर्च करें। ये मुझे लग रहा है कि बड़ी ख्वाबों ख्यालों वाली बातें हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि जी हम आईएमएफ ने कहा है कि हम 1% अपना पाकिस्तान को अपना 1% अपनी जीडीपी का मुख्तस करना चाहिए सस्टेनेबिलिटी के लिए। यानी माशाल्लाह हमारी टैक्स से लेके हमारी इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी सब की सब इस वक्त उस पर एडवाइस आ रही है आईएमएफ की। मैं इसी बात को लेके चलना चाहूँगी। यकीनन अगर हम बाय द वे ये नहीं करते, वी शुड बी डूइंग दिस ऑन आर इन आर ओन इंटरेस्ट, बिकॉज आपकी फूड सिक्योरिटी से लेकर आपके आने वाले दिनों में आपके पूरे इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी इस पे इसका इन्हिसार है। वैसे हमने आपको पहले ही बताया कि इस वक्त भी कराची और लाहौर टॉप थ्री सिटीज़ में आते हैं जो माहौलियाती आलूदगी के हवाले से सबसे ज़्यादा बदतर हालात में हैं। हारून शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट। आते हैं कि व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ नॉट इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबिलिटी एंड इज़ पाकिस्तान रियली कॉन्शियस अबाउट दैट। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या कहते हैं, 1% ऑफ आर जीडीपी नीड्स टू बी इन्वेस्टेड फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पाकिस्तान ये कर पाएगा? और अगर ये रकम मैं कहती हूँ बजट एलोकेट भी कर दिया गया, डू वी हैव द कैपेसिटी टू डू दिस? जी इसके दो बहुत अहम पहले। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का जो नंबर वन चैलेंज है वो फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट है, ये उसका हिस्सा है जी। हमारी जो फाइनेंसिंग है हेल्थ पर, एजुकेशन पर, टेक्नोलॉजी पर, क्लाइमेट रेजिलियंस पर, ये सारा कंबाइन करके एक डेवलपमेंट का पूल बनता है। अगर आप हमारा डेवलपमेंट बजट देखें तो उसमें 80% इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सड़कें होती हैं, पुल होते हैं, स्कूल कॉलेज होते हैं। तो एक तो माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है कि असल डेवलपमेंट की पैसा कहाँ लगना है और आपने उसको कैसे रेज करना है। अब आपका सवाल आईएमएफ की, ये बड़ी पुरानी कैलकुलेशन है जो उन्होंने अपनी असेसमेंट में डाली है कि तकरीबन 5 साल में पाकिस्तान को $16 अरब चाहिए होंगे क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए और एडेप्टेशन के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आईएमएफ ने जो प्रोग्राम किया है, और ये मैंने 3 साल पहले भी कहा था हुकूमत को, अब भी उन्होंने एक सस्टेनेबल विंडो ऐड की है अपनी फाइनेंसिंग पॉट के अंदर, और उस ट्रस्ट का पैसा पाकिस्तान ने नहीं लिया, बांग्लादेश ने ले लिया। तो आईएमएफ अगर बात कर रहा है तो उनको वो सस्ता पैसा ऐड अप करना चाहिए था इसके अंदर, और उसकी कंडीशन लगानी चाहिए थी कि इसको आप एलोकेट करें कहाँ लगाना है। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान को, मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ, तरजीहात के साथ माइंडसेट बदलना है कि क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है। आपके पास $30 अरब का नुकसान हुआ है फ्लड्स में सिर्फ 2-2.5 साल पहले, अब हमें अगर अभी भी नहीं नजर आ रहा तो बिल्कुल सही। अरुण साहब कुछ और खबरों की तरफ आपकी तवज्जो चाहूंगी। सबसे पहले जी फॉरेक्स रिजर्व्स $64 मिलियन से ऊपर गए हैं और इस वक्त वो 16 बिलियन पे खड़े हैं। ये समझा जा रहा है कि अच्छी बात है। आपने कहा था लास्ट टाइम कि दिस इज टिपिकली हाउ एन इकोनॉमी रिस्पॉन्स पोस्ट एन IMF लोन कमिंग इन। दूसरा ये कि जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हमारे लिए प्रोजेक्ट किया है कि 2.5 से 3.5% की ग्रोथ पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये भी इशारा दिया है कि ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस जो फ्लक्चुएट होने के चांसेस हैं विद द अनरेस्ट इन मिडिल ईस्ट वो हमें नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती है। हाउ शुड पाकिस्तान ब्रेस फॉर दिस इंपैक्ट? जी मैं एक सेंटेंस में पुरानी चीज कवर करूं तो पाकिस्तान ने पैसा अगर रेज करना है तो हमें प्राइवेट सेक्टर से पार्टनरशिप करके इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने पड़ेंगे। मैं ये कह रहा हूं ये एड से नहीं आएगा। दूसरी चीज ये है जो अभी आप बात कर रही हैं, आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर रिजर्व्स के ऊपर जाने की अच्छी बात है, लेकिन उसकी वजूहात एक तो लोन की ट्रांचेस हैं, बट हमने अभी भी इंपोर्ट को कंट्रोल किया हुआ है। जब भी प्रेशर आएगा इंपोर्ट खुलेंगी तो ये रिजर्व्स फिर से फिजल आउट होना शुरू हो जाएंगे। हमें सस्टेन अगर करने हैं तो रिमिटेंस से होंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से होंगे और एक्सपोर्ट से होंगे, तो ये हमें समझ। अब जो आपकी इसके अंदर एक लिंक्ड इसमें बात आती है कि 3 साल का जो फंड प्रोग्राम है, मैं नहीं देख रहा इस साल ग्रोथ 2.5% से ज्यादा हो पाएगी, मार्जिनल शायद हो जाए। पाकिस्तान की डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल शॉक्स बहुत हाई है, हम एक इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है, 50% हमारी बिजली तेल से बनती है और फॉसिल फ्यूल से,
तो अगर हम एनर्जी ट्रांजिशन का एक प्रोग्राम नहीं बनाते हैं तो ये प्रेशर नीचे नहीं जाएगा। जैसे स्मार्ट एग्रीकल्चर का नहीं बनाते हैं तो आप रेजिलियंस नहीं करेंगे। तो ये हमें तो अब एक गेम प्लान की तरफ जाना है कि एक्सटर्नल जो कमोडिटी प्राइसिंग और ऑयल प्राइसिंग अगर ऊपर नीचे होती है या खुदा ना खास्ता कॉन्फ्लिक्ट आता है तो हमने डी रिस्किंग कैसे कर। हारून साहब, एक आपसे मैं थोड़ा सा एक ऑफलाइन बात करना चाहती थी विच इज़ नॉट रिलेटेड टू आर सब्जेक्ट्स टुडे, लेकिन मैं कल देख रही थी कि फ्रॉम इकोनॉमिक मैटर्स टू अभी हाल ही में होने वाला बड़ा पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक विन कि हमने SCO मीटिंग को अपने पास होस्ट किया, इतने अहम वफूद पाकिस्तान आए, इतने सारे वज़राए आज़म यहाँ पर तशरीफ लाए, एंड पाकिस्तान इज़ अगैन इन द सेंटर एंड वी आर रेलिवेंट एंड वी ग्रोइंग टू बिकम मोर रेलिवेंट इन द रीजन। लेकिन मैं ये देख रही थी कि हुकूमत की हिकमत अमली है, अ नंबर ऑफ सेलिब्रिटीज़ हैव बीन पॉइंटिंग टू द फैक्ट, एंड दुनिया भर में होता है कि जो आपके पॉप कल्चर के आइकन्स हैं वो इस तरह के मामलों पे कमेंट करते हैं, उनकी एक रीच और फॉलोइंग होती है, बट इज़ दैट रियली क्रेडिबल व्यू गिवन द फैक्ट दैट दे आर नॉट सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। देखिए, इस वक्त जो हमारा जनरली वी आर गुड एट क्रिएटिंग, इसको हम पॉपुलर हाइप कहते हैं, ठीक है, हम एक चीज की हाइप क्रिएट करके एक फील गुड फैक्टर देना चाहते हैं। सही। उस पे हम हर शख्स जो किसी तरह का इन्फ्लुएंस रखता है उसको रोप इन करते हैं। सही। दुनिया जो है अब ये जो SCO है ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान ने डोर खोला है। अब जरूरत इस चीज की है कि पाकिस्तान एक सॉलिड इकोनॉमिक वैल्यू प्रोपोजिशन टेबल पे रखे कि खित्ते की मार्केट में हमारा ये रोल है और हम फाल किरदार या लीडरशिप तीन चीजों में कर सकते हैं। व्हाई कांट पाकिस्तान पुट अ प्रपोजल ऑफ सेटिंग अप एन SCO क्लाइमेट बैंक, पाकिस्तान एक कस्टम्स यूनियन की तरफ क्यों नहीं जाता अगर हमारी लैंड पोर्ट से कनेक्टिविटी है। ये जो चीजें हैं कि सिर्फ एक पॉपुलर हाइप क्रिएट करके, फोटो ऑप करके, लुकिंग गुड करके, फील गुड करके चैप्टर बंद कर देना, ये हमारे लिए इंतहाई खतरनाक है और हमेशा हम ये करते आ रहे हैं।